अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कशिर खबरनामे हेठ छुस साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मंज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानन ब्रो अख नजर चन खास खास खबरन पे। एनआईए तरफ वादी मंज मुख्तलिफ मामलन हवाले कार्रवाई जारी, शुमाल जुनूबस मंज ताज़ कार्रवाई, कईहन लोकन प्रिसगर अहम दस्तावेजात जब्त। एलजी मनोज सिन्हा सिंह सदारत में इंतजामी कौंसिल अहम मीटिंग, कईहन अहम मामलन हिज अमल आवरी मंजूरी, इंतजामिया में शफाफियत अननस पे जोर। तो बरतरफ करने आमत हेल्पर्स टू सुपरवाइजर्स तरफ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहजाज, इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी, इंसाफ फराहम कर मुजाहरीनों मांग। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील, जम्मू कशीर में ये पत्मो कह वो पे एनआईए तरफ मुख्तलिफ मामलन हवाले कार्रवाई जारी, तत्य पत्मो कैंसो दो पे एनआईए तरफ वादी में कार्रवाई मजीद तेज करना आमच, ये दौरान आज एनआईए तरफ श्रीनगर सान वादी हिंदिस शुमाल जुनूबस में छाप त्रावन आई, ये दौरान कईहन लूकन हिंस प्रसगर करनस अलाव अहम दस्तावेजात जब्त कर आम। एलजी मनोज सिन्हा सिंह सदारत में आज इंतजामी कौंसिल मीटिंग मुनद सपज मशीर फारूक अहमद खान बटनागर, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता तो इंतजामी के बल पाए अफसरों शिरकत कर मीटिंग दौरान ये चौन जिलन में इजाफी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कायम करनस मंजूरी दिन आई, तत्य कपवरस में प्ले ग्राउंड तमीर करनस हवाले 60 कनाल जमीन यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स महकमस फराहम करना आम, ये जन मीटिंग दौरान एस आर ओ 23 तो दोमें कैचन अहम मामलन हवाल त फैसला निनाओ। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड तरफ ये पुलिस में सब इंस्पेक्टर हिज तकरीरी बापत नोटिफिकेशन मुश्तहिर करना आई, तत आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में कईहव नौजवानों तरफ एहजाज मुजाहरी करना आमुत, ये दौरान एहजाज में शामिल नौजवान इंसाफ फराहम करनी मांग करान। एहजाज में शामिल नौजवानों तरफ वन आमुत लवाजमात पूर करने बापत ये वंस 14 पे 18 वरी थवन आम, तम सौजवान आवलिस मन हैं आमुत, एहजाजी नौजवानों तरफ मांग कर आमुत वंस हिंदिस मयादस मज ग हुरियर कर युन पर्मित लिखमित नौजवान मौके फराहम सपद। रिसेंटली एसएसआरबी ने नोटिफिकेशन निकाली है सर सब इंस्पेक्टर के लिए, जेके पुलिस सर जो उसमें एज उन्होंने रखी 18 से 28, सर ये सबको पता कि 18 साल में कोई ग्रेजुएट होता नहीं, अब हमें समझ नहीं आता ये जो ब्यूरोक्रेट्स अंदर बैठ के अपने एसी वाले रूम में बैठ के पॉलिसीज बनाते हैं, इन्हें कौन बोलता है ये 18, उन्हें भी ग्राउंड रियलिटी का उनको पता नहीं है, उनको भी पता होना चाहिए 18 साल में कोई ग्रेजुएट होता नहीं है। सर हमारी यही मांग है इसमें कम से कम इसके लिए वन टाइम एज रिलैक्सेशन बढ़ाई जाए सर, कम से कम 21 से 35। सर जम्मू कश्मीर में नौजवानों रोजगार फराहम करने हवाले ये मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ बड़ दाव करान वन खसूसी दर्जे खत्म सपदन पे सासवाद बेरोजगार नौजवानों रोजगार फराहम करना आमुत, तम सात दाव छुच नजर ग जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ कईहन महकमन मुलाजिम बरतरफ कर पे मुलाजिम सड़कन पे इंसाफ फराहम कर मांग करान। श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में आज बरतरफ कर आमत आंगनवाड़ी हेल्पर टू सुपरवाइजर तरफ एहजाजी मुजाहरी करना आमुत, ये दौरान एहजाज में शामिल हेल्पर टू सुपरवाइजर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान, एहजाज में शामिल हेल्पर टू सुपरवाइजरों तरफ वन आमुत जोदवे इंतजामिया तरफ जारी हुकुमनामस पे नजरसानी करना आई, तेली एहजाजी मुहिम शुरू कर यमी जिम्मेदारी इंतजामिया पे आयद सपद। जी हम हेल्पर टू सुपरवाइजर हैं, हम ICDS डिपार्टमेंट से हैं, हम 918 हेल्पर टू सुपरवाइजर हैं जिनको डिसंगेज कर दिया गया है, और आपको तो पता ही है हम 3 सालों से प्रोटेस्ट यहाँ करते आ रहे हैं तनख्वाह के लिए, हमारी वेजेस बंद थी, लेकिन अब हम इनसे कह रहे हैं कि अगर हम सफ़र कर रहे थे पे के मुतलिक तो हमें डिसंगेज क्यों कर दिया गया, जब हमारा केस अभी कोर्ट में भी चल रहा है। अब हम इनसे ये गुजारिश है कि हमारा ये डिसंगेज ऑर्डर वापस लिया जाए, हमें अपनी ड्यूटीज पे फिर से मुस्तकिल किया जाए। गुंडकंगन गांधरबल पे आमते आई के अयाल तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में खामोश एहजाज करना आमुत, ये दौरान एहजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मांग करान, एहजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत जोदवे महकमे बिजली मज काम करन वोल मुलाजिम मोहम्मद शफी वन कह वरी ब्रो ड्यूटी दौरान फौत सपद, ताहम चुना आज तहंदन बचन हक
फराहम करना आमुत यमकिन तिम एहजाज करनस पेट मजबूर सपद एहजाज में शामिल मुतासर अयाल तरफ चे एल जी इंतजामियास मांग करना आमुत ज्यात मामलस कुन गई जोन दुनियुन युद्ध जन मुतासर अयालस इंसाफ फराहम करने यी जनाब अली आज बदकस्मती कि इन फादर अम्म हमसाय नियरस्ट नबर सारी आरफन यह मोड मोज यह खानदारन अमिस चोर कोर बेस यह लड़का हजरत चोर वरी गए पी डी डी दफ्तर पी डी सी दफ्तर दरवाज खड़कान अचान गए इंसाफ मिलन इन गए नौकरी मिलन अमिस बचस अमिस गई त्रे वरी यह फाइल भरमितिस हजरत कहीं ऑब्जेक्शन चन कहीं नुकस चन फाइल मज अम सिंदिस फादर गए जिसास चौदह मज ये सहलाब आव पत सह आर्डरली कलेक्टर आफिस बिमन मज हजरत तत खस मेच पत स रिकॉर्ड बिचार कड़ा त्रेन रेतन कोर तम स रिकॉर्ड साफ तमिस गई सो गर्द सर छाति मज तमिस कोरन पत हजरत तम गर्द दिस अत कंसर जोदह मज पत कड़ त्रेन वरियन सू बेमार यम सू तम सा तमिस साठ दह लच रोपये लोन ये फैमिली पे बार तन पे गो पकान तन पे गो पकान चीफ इंजीनियर एम डी पावर कमिश्नर पावर सेक्रेटरी जोम सरीनगर सरीनगर जोम ते जान मन पान मे क्या गो मे क्या बूट छन अमिस ना महमद शफी वानी अम सिंदिस बचस ना बशारत अहमद वानी चे केस बनमत शुमाली हिंदिस पटन कस्बे सलुक थवन वालों लूको तरफ से आज एहजाजी मुजाहरे करना आमुत ये दौरान एहजाज में शामिल लूक महकमे बिजली खिलाफ सख्त नारेबाजी करान एहजाज में शामिल लूको तरफ से वन आमुत वंदकाल इन ब्रोह इलाक मज बिजली हिज यत गसे शुरू सपजम यम कि मुकबी लूक एहजाज कर मजबूर सपद एहजाज में शामिल लूको तरफ से इंतजामिया मांग कर आम ज्यादा मामलस कुन गई जोन दिन युन युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पे सटा मुसीबत मे आम सफर कर मामलात पौद ग बचन इम्तहान अमिश तैयारी तम कर और मामलात गुत पौद बच आनलाइन पढ़ा और बिजनस मैन सफर कर गुजारिश कर कि या करो अस पावर बहाल शेड्यूल हिसाब नो तुम कम आफिसर ये करो तब्दील तिंद मुतबादल यो ये ताकि अच्छे गे मामल हल सटा परेशानी हालत मन दिन वो वन जन अत मुतल गवर्नर साहब लेफ्टन गवर्नर साहब वन सको बिजली हूं बहाली असल पा पर वो गो बिजली बहाल कहीं क्या थो इंतजाम मतलब गो ये वाद बिल्कुल जिले मौसम खोखल वाद सही वाद कह बहकाल लुकन और पे फश फश कर मगर अच्छी मुश्किल मजो सर अना यपर करना टंगडार इलाको लूको तरफ शिकायत बवान वन आमुत जदवे इलाक मज मीटर नसब कर आमुत ताहम च महकम तरफ मनमानी हिसाब बिजली बिल सारिफन फराहम करने यम कि आम लूक मुश्किल मज हन आई ये जन टंगडार को लूको तरफ शिकायत बवान वन आव महकमे बिजली तरफ च बिजली फीसस मज इजाफ करना आमुत यम सूत आम लूक आवलिनस मज हन आई ये जन मुकामी लूको तरफ एल जी इंतजामियास मांग करना आई अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने ये आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल से गुलस्तान न्यूज़ से सर जो ये हमारे को दुकानों में मीटर लगाए गए हुए हैं सर हम टंगडार के रहने वाले हैं तो ये तो दुकानों में सर जो मीटर लगाए हैं 30 को लेकिन मीटर पर बिल आती नहीं है सर जो भी बिल आती है सर ये अपनी मन मर्जी से भेज देते हैं सर जो जो इसकी रीडिंग है सर वो रीडिंग आकर चेक करें सर आप भी देख सकते हैं सर जो रीडिंग है रीडिंग कुछ और दिखाती है बिल हमारे सर और भेजते हैं हम चाहते हैं कि बिजली वालों को कि हमारे को रीडिंग के हिसाब से बिल आनी चाहिए और दो बार इश्फाक भाई ये ऐसा है कि यहाँ पर बहुत ही नाइंसाफी है खासकर इस इलाका करना के लोगों के साथ यहाँ एवाई बीपीएल के जो लोग हैं वो बेचारे पहले ही 2 साल से पिसे हुए हैं कोविड को लेकर तो उसके बाद 400-450 के करीब बिल लाकर उन बेचारों को दे दी कहाँ से भरेंगे ये लोग और बिजली रही बिजली बिजली की तो आँख मचोली चल रही है पूरे इलाके में रात को आती है तो घंटा डेढ़ घंटा चलती है उसके बाद चली जाती है कहीं और यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक आर्डर निकाला गया है बोलते हैं कि अपनी जो बिलें जा रहे हैं जिसको वो ग्रेनेज में डालें मेरे भाई हम कहाँ ग्रेनेज में डालेंगे यहाँ नेटवर्क इतनी कमी है कि कहने की बात नहीं खासकर उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे लोग नहीं है जो अनपढ़ लोग हैं वो कहाँ से बेचारे डालेंगे ग्रेनेज में और यहाँ कोई नहीं सुनता है तो वहाँ बेचारे मरकजी वजीर ममलिकत श्रीमती मीनाक्षी लेखी चु आज जुनूबी कशीर हिंद ऊदपुर इलाक दौर कोरमुत यद दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद ऐस दौरस दौरान ये तिमो मशहूर पांडव लरी हुंद जायजा हियो तत चे तिमो इंतजामियास पेट जोर दियुतमुत
जम गन जायन हज रश राउट तो शहर पर यकीनी बनाने सवाल संजीद कदम तुलन युन ये जन तमो वो तमीर तरकी मे जरूरी जी प्रेथ अर अथवास युद्ध जन तमीर तरकी यकीनी बनाने यी। जो इतने साल का कुशासन रहा है कश्मीर के अंदर उसको सुधारने के लिए जमीन के ऊपर लोगों की क्या क्या तकलीफ है और धीरे धीरे उन तकलीफों को सुधारना, उनको बेहतर करना और सब लोग एक होकर बेहतरी की तरफ बढ़े। हम सब लोगों को मिलकर ही काम करना है और सबको साथ मिलकर काम करना है और सबकी कोशिश भी बराबर होनी चाहिए। जब सबका प्रयास और सबकी कोशिश रहेगी तभी बेहतरी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो एक ही मकसद है कि सब भारतीय खुश रहें, खुशहाल रहें और सबकी तकलीफें धीरे धीरे कम हो। अगर कश्मीर की बात मैं करूं तो कश्मीर का इतिहास इतना पुराना है और मौर्यन पीरियड से लेकर उसके बाद गुप्ता पीरियड और बीच में जैसे ये अवंतीपुरा की बात करें तो अवंती वर्मन और बुद्धिस्ट सर्किट और तिब्बत सर्किट, फिर सूफी सर्किट, बहुत कुछ है हमारे पास लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, घुमाने के लिए। और जब तक हम उसको सही तरीके से पेश नहीं करेंगे, जब तक अपनी कदर खुद नहीं करेंगे तो कोई बाहर से आके हमारी कदर नहीं करेगा। तो सबके मन में अपनी धरोहर को लेकर जागरूकता हो, सबके मन में अपनी धरोहर को लेकर जानकारी हो और सब उसको बचाने का प्रयास करें ताकि उसका फायदा भी सबको मिले और तमाम लोग आकर देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक खुशहाली जो है कश्मीर की बढ़ाएं। हम यहाँ से नॉलेज सेंट्रल एशिया और सेंट्रल यूरोप भेज रहे थे और उसके बाद हम ही उस नॉलेज से अलग हो गए, अनभिज्ञ हो गए, हम हट गए और जिनको हम ऋषि नंद बोलते थे हम भूल गए उन्होंने क्या सिखाया था। तो मुझे लगता है कि वापस लोगों को वही सब अपनी जड़ों को पहचानना और उन जड़ों को मजबूत करने की ज़रूरत है, जो कि बहुत आसानी से हो सकता है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सबका साथ रहेगा तो बहुत जल्दी। नाजरीन कौशर खबरनाम जारी, ये तनिमो तजारती वक्फ़।